एग्जिट पोल तो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी का ही दोबारा होगा राज तिलक, क्योंकि मोदी की लहर नहीं सुनामी चल रही है। हम आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे एग्जिट पोल दिखाएंगे एक साथ एक ही जगह पर, जिसके बाद आप अंदाजा लगा सकेंगे कि आज हमको दंगल में यह सवाल क्यों उठाना पड़ा कि क्या मोदी की लहर नहीं सुनामी चल रही है। सबसे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट दिखा देते हैं इंडिया टुडे माई इंडिया एक्सिस का एग्जिट पोल क्या कहता है। एक्सिस माई इंडिया आज तक का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि पूर्ण बहुमत से भी आगे, अब की बार 300 बार के नारे से भी आगे, बीजेपी वापस सत्ता में अपनी जगह बना सकती है। ये देखिए किस तरीके से ये आंकड़े बाहर निकल कर आ रहे हैं कुएं में से, और आपको दिखा रहे हैं कि 339 से 365 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल दे रहा है। यूपीए को 77 से 108 सीटें और अन्यों को 69 से 95 सीटें मिलने का अनुमान, ये आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कह रहा है। 542 में से सीटों की स्थिति यह, यानी कि जो दावा बीजेपी ने नरेंद्र मोदी ने किया था कि अब की बार 300 पार कर लेंगे, वो 300 बीजेपी अकेले पार कर पाने की स्थिति में हो सकती है। अब आपको जरा दूसरा एग्जिट पोल दिखा देते हैं, चाणक्य का एग्जिट पोल क्या कहता है। 2014 आपको याद होगा जब कोई नहीं कह रहा था कि बीजेपी की इतनी सीटें आ जाएंगी, उस वक्त चाणक्य ने बीजेपी को 336 के आसपास सीटें दी थी। इस बार एनडीए को 350 सीटें टुडेज चाणक्य ने दी हैं 542 में से, यूपीए को 95 सीटें और अन्यों को 97 सीटें, टुडेज चाणक्य का ये एग्जिट पोल दे रहा है। यानी कि यहां पर भी पूरे बहुमत के साथ एनडीए की सरकार, न केवल बहुमत के साथ बल्कि पूरी ताकत के साथ पिछली बार से भी मजबूत स्थिति में बनने का संकेत चाणक्य के एग्जिट पोल में आ रहा है। अब तीसरा एग्जिट पोल हम आपके सामने रख देते हैं, तीसरा एग्जिट पोल क्या कहता है। तीसरा एग्जिट पोल आपके सामने नीलसन का आ रहा, एसी नीलसन का सर्वे क्या कह रहा है। नीलसन का सर्वे एनडीए को 277 सीटों पर समेट रहा है, यूपीए को 130 सीटें दे रहा है और अन्यों के खाते में 135 सीटें आने का अनुमान नीलसन के इस सर्वे में लगाया गया है। 542 सीटों पर वोट पड़े हैं, 542 में से 277 नीलसन ने एनडीए के खाते में, यानी कि सरकार यहां भी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की ही बनने का अनुमान नीलसन के सर्वे में दिया गया है। अब एक और एग्जिट पोल हम आपको दिखा देते हैं फटाफट, इससे पहले आपको बताएं कि हमारे साथ कौन कौन से मेहमान आज दंगल का हिस्सा बन रहे हैं। जरा चौथे एग्जिट पोल पर नजर डालीजिए, इप्सोस का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। इप्सोस का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि एनडीए को 336 सीटें मिल सकती हैं, यूपीए को 82 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्यों के खाते में 124 सीटें जा सकती हैं। ये इप्सोस का एग्जिट पोल, यानी कि चौथा एग्जिट पोल भी ये कह रहा है कि एनडीए न केवल वापसी कर रहा है बल्कि पूर्ण बहुमत के साथ वापसी कर रहा है और बीजेपी की पिछली बार से भी ज्यादा सीटें आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमारे साथ राजीव त्यागी हैं, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं। आशुतोष हमारे साथ हैं, पूर्व में राजनेता रह चुके हैं और वापसी अब पत्रकारिता में कर चुके हैं बतौर चुनाव विश्लेषक, हमारे साथ इस पूरे चुनाव के सफर के दौरान रहे हैं, आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ शांतनु गुप्ता हैं, योगी आदित्यनाथ पर अपनी किताब के लिए चर्चा में लगातार रहे हैं, कॉलमिस्ट हैं, और हमारे साथ संगीत रागी हैं जो कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और मनोजीत मंडल हमारे साथ हैं तृणमूल कांग्रेस के समर्थक के तौर पर, वैसे वो भी प्रोफेसर हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले राजीव त्यागी, चार एग्जिट पोल्स के रुझान हमने अपने दर्शकों के सामने अभी अभी रखे हैं। ये एग्जिट पोल है, अनुमान है, नतीजा नहीं है, हम भी मानते हैं, लेकिन क्या आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कम से कम एक दिशा ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं सातों चरण के चुनाव हो चुके हैं, पूरे देश के नागरिकों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को वोट किया, और उन नागरिकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने नहीं किया, उनके लिए हम बेहतर तरीके से काम करेंगे, बेहतर तरीके से नीतियाँ बनाएंगे और उनके हृदय में भी जगह बनाएंगे, इसमें कहीं कोई दुराव नहीं। प्रजातंत्र यही कहता है कि हमें सभी को धन्यवाद देना चाहिए, सभी को शुक्रिया अदा करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो एग्जिट पोल के बारे में मेरी स्पष्ट राय है कि मैं एग्जिट पोल के बारे में बहुत स्पष्ट कह दूं कि 1999 से लेकर के और आज 2019 तक हम बहुत सारे एग्जिट पोल देख चुके हैं, बहुत सारे एग्जिट पोल्स पे हमने डिबेट की है, लेकिन कोई भी एग्जिट पोल मुझे लगता नहीं है कि किसी भी चुनाव में बेहतर निकला हो।
2004 के चुनाव में आप देखेंगे तो उस वक्त आप पाएंगे कि एनडीए की सरकार रिपीट हो रही थी लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। 2009 में भी कांग्रेस पार्टी को हरा हुआ दिखा रहे थे लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर बनी। 2014 में जो एग्जिट पोल थे उसमें करीब करीब बीजेपी को पूर्ण बहुमत की तरफ नहीं जा रहे थे लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत की तरफ गई और 282-283 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया। अब रही बात 2019 के जो एग्जिट पोल है, मुझे लगता है अभी भी मैं मानता हूँ, मेरा बहुत स्पष्ट जो मेरा आकलन है वो बता देता हूँ कि क्योंकि 23 मई को फिर डिबेट करेंगे, मेरी राय में ये हंग पार्लियामेंट है और इस हंग पार्लियामेंट में किसी भी दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं होगा, इसलिए एलायंस की तलाश करके जो बेहतर तरीके से गठबंधन कर लेंगे पोस्ट पोल वो सरकार बनाने का काम करेंगे। आपकी राय है या त्यागी जी ये आपकी इच्छा है? नहीं देखिए, इच्छा और इच्छा से एक होता आकलन, एक होती है इच्छा। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अपन आकलन के नाम पर इच्छा बता देते हैं। देखिए अब उपराष्ट्रपति महोदय अगर ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल कभी सही नहीं उतरे हैं तो उनकी इच्छा या राय पहले उनसे भी पूछ लीजिएगा क्योंकि उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा इस बात को। अब उपराष्ट्रपति जी तो यहाँ है नहीं ना सर, है नहीं लेकिन आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन देखिए सुनिए, मैंने एक एग्जांपल दिया रोहित जी, एक एग्जांपल दिया। अब आपकी बहुत सारी इच्छा हो सकती है लेकिन सारी इच्छा तो पूरी नहीं होती है, तो सियासत में सारी इच्छा तो पूरी नहीं होती है। इसीलिए पूछा कि ये इच्छा है या आपका अनुमान है? मेरा अनुमान है। आप प्रचार करते हैं अपनी, मेरा अनुमान है बहुत स्पष्ट क्योंकि मैंने भी ट्रेवल किया हूँ पूरे देश में। यदि देश में किसानों ने एकजुट होकर के कांग्रेस के पक्ष में निर्णय दिया होगा, यदि देश में गरीबों ने न्याय योजना से प्रभावित होकर के एकजुट होकर के हमारे पक्ष में वोट किया होगा, यदि देश के नौजवानों ने बेरोजगारी के खिलाफ वोट किया होगा तो निश्चित रूप से हंग पार्लियामेंट की तरफ हम बढ़ेंगे और पूर्ण बहुमत किसी भी दल को नहीं मिलेगा। अभी एक चुटकुला पढ़ रहा था, किसी ने लिखा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, पिछली बार 15 लाख मेरे डूब गए थे, इस बार लगता है 72,000 भी मेरे हाथ से चले जाएंगे। लोग कुछ इस तरीके से भी सोचते हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, एग्जिट पोल की खास बात यह है कि जिसको जितना पसंद आता है वो उतना ही स्वीकार करता है और इत्तेफाक यह है कि इस बार सारा ही आपको पसंद आने वाला है, इसीलिए आप लोग स्वीकार कर रहे हैं। देखिए हम तो जो सबसे कम एग्जिट पोल में आंकड़ा दे रहा है 277 से लेकर जो सबसे अधिक दे रहा है एक्सिस माई इंडिया, उन दोनों के बीच का भी कोई फिगर आप पकड़ लें कि आप जिसको सबसे कम पकड़ते हैं, जैसे पिछली बार 249 दिया था और भारतीय जनता पार्टी 282 आई थी, तो एक संकेत तो स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिल रही हैं वो 300 के आसपास मिलती दिखाई देती है, एनडीए को न्यूनतम 300 सीटें मिलेंगी हर कोई कह रहा है। कांग्रेस का जो है वो सैकड़े के आंकड़े को पार कर पाएगा क्या, इस पर किसी भी एग्जिट पोल वाले को विश्वास नहीं है। और जो भारत में सरकारें बनने की जिस तरह की गतिविधियां रही हैं और जो सरकारें अपना पूर्णकाल पूरा कर चुकी हैं उसमें कम से कम जो है 100 का आंकड़ा तो पार करना चाहिए और कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार करती हुई किसी भी एग्जिट पोल में, किसी भी विशेषज्ञ के आकलन में नहीं दिखाई दे रही है। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस हारी हुई लड़ाई लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही विजय की ओर बढ़ने के लिए एक जो है सुगठित सुनियोजित अभियान के तहत जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ पूरी साख वाले प्रधानमंत्री के साथ मैदान में थी और उसका जनादेश जो है जनता ने दिया हुआ है, ये एग्जिट पोल संकेत कर रहे हैं और एग्जैक्ट पोल में यही जो है आपको स्पष्ट परिणाम दिखाई देंगे। मनोजीत मंडल, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव में जाना और दूसरी तरफ गठबंधन के आगे बार बार ये सवाल खड़ा होना कि आपका नेता कौन होगा, अगर आप जीत भी गए तो प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, ऐसी ऐसे बातें कहा जाना कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री रख देंगे, इनके तो इतने प्रधानमंत्री हैं कि इनको दरी बिछाकर बैठना पड़ेगा, कुर्सी नहीं होगी, ये सारी चीजों ने मिलकर एक माहौल खड़ा किया कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ा, जो कि अमूमन भारतीय चुनाव व्यवस्था में नहीं होता। जी देखिए, वोट किसके ऊपर किसके नाम पर पड़ा ये तो आप अभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट पे चुनाव पे गए थे, ये बिल्कुल साफ है। ये भी अब साफ है, आप अगर देखोगे हर तरह के एग्जिट पोल जो 300 से ज़्यादा सीट बीजेपी यानी एनडी को दे रहा है और सब बीजेपी का भी यही विश था, वो भी एक बहुत चमकाने बात है कि लगातार बीजेपी कहते आ रहे हैं कि हम 300 से ज़्यादा सीट हम लोगों को मिलेगा, इतना सारा मिलेगा 300 से ज़्यादा, ये भी एक बहुत सरप्राइजिंग बात है कि जो बीजेपी का जो विश था वो भी एग्जिट पोल में भी आ गया। हम कोई इन्फरेंस के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक आश्चर्य की बात है कि जिनका बीजेपी का विश था उतना एग्जिट पोल में भी आ गया। क्या हुआ क्या नहीं होगा 23 को हम बता सकते हैं, बहुत सारे मसला है, बहुत सारे यू नो परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा,
मेरा राय भी त्यागी जी के साथ ही होगा। त्यागी जी बहुत वरिष्ठ एक राजनीतिक है, मुझे लगता है बीजेपी को जरूर सिंगल मेजोरिटी लार्जेस्ट पार्टी जरूर होगा बीजेपी, ये हम लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट जो बिल्कुल हांग पार्लियामेंट होगा ये हम लोगों को लगता है। अभी जो नतीजा आपके पास आ रहा है एसीनियल से करीब करीब टच एकदम एनडीए को करीब करीब दिखा रहा है, उससे अगर आप 50-60 सीटों भी काम कर लोगे तो 220 या 30 से ज़्यादा एनडीए को नहीं जाएगा, शायद ये हम लोगों का अनुमान है। मोनजीत दादा, आप ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने जितना सोचा उतना एग्जिट पोल में कैसा आ गया। बीजेपी ने 2014 में कैंपेन ही चलाया मिशन 272+, अब वो 272+ आ गया तो उससे क्या इन्फ्लुएंस निकाले फिर कि जनता ने उनके कहने से 272+ कर दिया क्या? बिल्कुल, हर पार्टी अपना एक गोल लेके चलती है ना सर, देखिए आप भी अपना एक गोल लेके चलते होंगे। आप प्लान करें बंगाल में 35+ आ जाए तो हम लोग क्या सवाल पूछे, आप लोगों ने मैनेज कर लिया संस्थानों भी, आप 2014 में आपका चैनल का जो वो जो एग्जिट पोल था वो किन पूरा मिले नहीं, किसी का भी पूरा मिले नहीं। जो त्यागी जी ने बिल्कुल सच कहा 2004 से लेके 2014 नहीं मिला। हाँ, एक जरूर मैं ये भी कह सकता हूँ, जरूर एक ट्रेंड बता सकती है, एक आइडिया दे सकते हैं, लेकिन पूरा एकदम ऑन द ग्राउंड ये सच हो जाएगा, ये पूरा ट्रांसलेटेड हो जाएगा एक्चुअल सीट में, आज तक तो कभी नहीं हुआ। बंगाल में भी आप लोगों ने जो 2016 में दिखाया था 250 के ऊपर टीएमसी का सीट चला जाएगा, लेकिन नहीं आया था, 200+ हुआ था। ये 50-60 का फासला जरूर रहता है, ये आप लोगों को मानना पड़ेगा, हर तरफ से होता लग रही है। हम यही बात कर रहे हैं कि अगर जितना लड़े हैं पिछले 2-2.5 महीने में, आज काफी सॉफ्ट लग रहे हैं आप, आपकी बातों से स्वीकारोक्ति भी दिख रही है कि आप मान रहे हैं कि भाई देखिए 225-230 तक तो बीजेपी आ ही जाएगी, आपको भी लग गया भाई साहब। सुनिए रोहित जी, आपसे भी हमने लड़ा था, सुनिए रोहित जी, लेकिन अभी बात अलग है, इलेक्शन खत्म हो गया, यहाँ वर्कर से भी झगड़ा झाटी ना हो इसलिए हम सबको सॉफ्टली बात करना है। अभी तो हम नहीं लड़ेंगे ना साहब, वी आर ऑल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, वी आर नॉट एनिमीज टू ईच अदर, ये सबको ध्यान में रखना है, क्योंकि वर्कर ना सफर करे, हम सबको सबके जो जहाँ पर पावर में है सबको ये अपील रहेगा कि अभी तक इस तरह का एग्रेसिव बात मत करो, लेट्स वेट फॉर 2023, कभी हमारे वर्कर में से कोई झगड़ा झमेला ना हो, इसी का इससे तो कुछ अच्छा नहीं होगा ना। चलिए नहीं, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। देखिए आज कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्विटर पर लिखा, उन्होंने ये लिखा है कि भाई अगर इस पूरे चुनाव प्रचार की गर्मी में किसी नेता से, किसी साथी प्रवक्ता से, किसी पत्रकार से मैंने कोई ऐसी बात कर दी हो जो उनको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, वो चुनाव प्रचार का वक्त था। और ये एक अच्छी बात है, नेताओं को इस तरीके का उदाहरण देना चाहिए जी, और ये एक मैसेज कन्वे करना चाहिए। मैं तारीफ कर रहा हूँ सर आपकी भी, मैं आपकी भी तारीफ कर रहा हूँ कि आज कम से कम हम एग्जिट पोल पे बात कर रहे हैं, भले ही आप लोग एग्जिट पोल से सहमत नहीं है, भले आपको लगता है आपका नतीजा उससे बेहतर होगा। एक सेकेंड, हाँ बोल लीजिए, फिर संगीत जी से कमेंट होना भी चाहिए। बोलिए 10 सेकंड रोहित जी, आपसे भी मेरा थोड़ा छेड़छाड़ी हो गए थे, उसके लिए आप पूरा बिल्कुल ये सब फॉरगिवन एंड फॉरगेट, इस ये का कोई ध्यान में रखना नहीं चाहिए, ठीक है। मोनजीत दादा, आप छेड़छाड़ भी करते हैं आज पता लगा। चलिए खैर, जल्दी से संगीत रागी, क्या ये रोहित जी के साथ हुआ था? रोहित जी के साथ एग्जेजरेटेड लगते हैं, ओवर एस्टिमेट लगता आप? देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट, एक और एजेंसी इस फील्ड में जो दशकों से काम कर रही है, कल सुबह मैं आपके स्टूडियो में बैठा हुआ था तब उन्होंने अपना डेटा शेयर किया और उसी बेसिस पर मैंने ट्वीट किया था कि एनडीए 305, बीजेपी का वोट परसेंट 35%, 36% और प्लस एनडीए के साथ वो 42% के आसपास जाएगा। तो वो अभी इस खेल के हिस्से नहीं है, लेकिन वो जब आंकड़ा आया तो बड़ा रिसर्च्ड आंकड़ा है, उसके आधार पर मुझे लगा कि ये जो दिशा है वो इसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को 300 का आंकड़ा पार करते हुए मुझे दिखाई देता है। जो 2014 के अंदर भी चुनाव था तो मिनिमम 249 था और मैक्सिमम 350 था। मैं इसमें दो बातें जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव हुआ मोदी वर्सेस रेस्ट हो गया और लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू किया, ये जनता के सवाल थे,
कि आखिर ऐसी क्या बात है जो सबको मोदी को हटाना चाहता है। तो ये पूरा जो विमर्श था फरवरी के बाद से, जो बजट के बाद से एक एक करके जो नैरेटिव था, विमर्श था, वो भारतीय जनता पार्टी ने सेट करना शुरू किया और बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू किया और यहीं से भारतीय जनता पार्टी का एज बनना शुरू किया। जो मस्कुलर नेशनलिज्म है, डिसाइसिव लीडरशिप है और जो कांग्रेस पार्टी का जो एक अटैक था जिसमें जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं थे, ये सारी बातें ऐसी थी जिसे नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही गया। लोगों के जो मुद्दे थे वो वाकई मुद्दे खत्म हो गए और ये कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना बड़ा चीज लोग बार बार कह रहा था कि एक अंडरकरंट चल रहा है, वो चुनाव में ये दिख रहा है। एक बात तो बताइए, आरएसएस का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? देखिए, मैं आरएसएस का कोई प्रवक्ता तो हूँ नहीं, प्रवक्ता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत, लोगों से मिलते बहुत जानकारी ऐसी है, चिंतक तो है बहुत ऐसी, मैं आपको बता सकता हूँ कि शुरू से ही ये बात थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मेजोरिटी अपने बेसिस पर क्रॉस करेगी, ये ऐसा आकलन था, ये मैं कह सकता हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ। इसे आप घूर करके मेरी तरफ देख रहे हैं? घूर के नहीं देख रहा, मैं तो केवल आपकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन ये मैं कह सकता हूं, जिस प्रकार से सारे चुनाव में होते हैं, मैंने पहले भी कहा है, संघ राजनीति में नहीं है लेकिन स्वयंसेवक राजनीति में है। संघ कुछ नहीं करता है लेकिन स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ता है। स्वयंसेवक तो स्वयं सेवक से ही संघ बनता है। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो आपका इसको घुमा फिरा के कुछ भी कह सकते हैं। नहीं नहीं, इसको इसको इस बात पे भी मस्कुलर नेशनलिज्म से सहमत नहीं। नहीं नहीं, इसको इस बात पे भी लाना पड़ेगा सर। राजीव त्यागी जी, मैं आशुतोष के पास जाता हूं इसी सवाल को लेकर, हालांकि जवाब इस पर आपसे भी चाहूंगा। जहां बात संघ की यानी कि संगठन की आ जाती है, क्या ये एग्जिट पोल इशारा करते हैं कि कांग्रेस का कमजोर संगठन, उन राजनीतिक पार्टियों का कमजोर संगठन जो कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का सपना देख रही हैं या तैयारी कर रही हैं, उनके आड़े आ रहा है और आगे भी आता रहेगा अगर उन्होंने अपने संगठन पर काम करने के बजाय हमेशा एक दूसरे पर कंधे पर सवारी करके जीतने की सोची? देखिए, 2014 के बाद जो भारतीय राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में जो बहुत बुनियादी बदलाव आया है कि 2014 के पहले जो नहीं था कि व्यक्ति और संगठन दोनों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अगर मैं कहूँ तो, एक प्रयोग करने की कोशिश की गई है। अमूमन भारतीय जनता पार्टी की नीति ये रही कि सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए, सब लोग बैठ के फैसले करें, लेकिन मोदी जी के आने के बाद से व्यक्ति केंद्रित जरूर संगठन हो गया है, लेकिन संगठन को ही उसी तरीके से रिजुविनेट करने का काम अमित शाह ने लगातार किया है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, दूसरी बात क्या, संघ परिवार का जो संगठन है वो एक संगठन नहीं। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है, कांग्रेस का एक संगठन है, वो भी आधा अधूरा है। आरएसएस के साथ क्या है कि आरएसएस का अपना संगठन है, विश्व हिंदू परिषद का अपना संगठन है, बीजेपी का संगठन है, बजरंग दल का संगठन है, उसके बाद न जाने कितने और अनुषांगिक संगठन है जो लगातार काम करते रहते हैं, और उसके अलावा उनकी जो सुबह शाखा होती है वो एक अलग है। कांग्रेस के पास पहले बड़ा मजबूत संगठन हुआ करता था, सेवा दल के नाम से होता था, बाद में संगठन पूरी तरीके से खत्म हो गया, अब सेंटिमेंट है। तो कांग्रेस को इस बात को रिकनसाइल करना पड़ेगा कि अगर उनको भारतीय राजनीति में अपने आप को प्रभावी तरीके से पुनर्स्थापित करना है तो उनको आरएसएस जैसा ही संगठन खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से लड़ नहीं पाएंगे। तो कांग्रेस भी सुबह शाखा लगाने लगे, शाखा लगाने का सवाल नहीं, एक साथ खेलें, आके एक दूसरे को कबड्डी खेलें, आजादी की लड़ाई छुए, आजादी के एक एक पूरा कर ले, फिर आजादी की लड़ाई के समय और आजादी की लड़ाई के काफी दिनों बाद तक कांग्रेस का सेवा दल नाम का एक संगठन था जो बिल्कुल आरएसएस की तरीके से ही काम करता था, लेकिन आज की तारीख में ना तो एनएसवाई बहुत एक्टिव है और ना ही कांग्रेस का युवा मोर्चा वाले संगठन एक्टिव। चलिए, रागी जी कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद ब्रेक लेते हैं, फिर आएंगे। मैं बस एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा, संघ के लिए राजनीति उसकी प्रायोरिटी नहीं है, राष्ट्र निर्माण और सतत 365 दिन तक काम करते रहना राष्ट्रीय साधना है संघ के लिए। पॉलिटिक्स उसका आउटपुट है, एक छोटा सा हिस्सा है, इसे मैं वो करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि राजनीति केंद्रित यदि आप कोई संगठन बनाते हैं, अगर ये जीत होती है, तब भी अगर ये जीत होती है, ये बीजेपी की जीत होगी या संघ की जीत होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की ये चुनाव है, कैसे कह सकते हैं कि ये राजीव जी कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, बोल लीजिए, फिर ब्रेक पर जा रहे हैं जल्दी, फिर आलोक जी और शांतनु से कमेंट लेंगे ब्रेक के बाद, बोलिए। जो बात अभी आशुतोष जी ने कही है कांग्रेस के संगठन के बारे में या और चीजों के बारे में, अब चुनाव हो चुके हैं तो निश्चित रूप से सभी दल अपने अपना विश्लेषण करने का काम करेंगे, कैसी स्ट्रेटजी रही, कुछ नहीं रही। मैं 4M की बात यहाँ करूँगा। पहला M है मुद्दे।
आपको मुद्दे चिन्हित करने पड़ेंगे यदि आप राजनीति में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कि कौन से मुद्दों से जनता प्रभावित है। मुद्दों के बाद आपको मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा, लोगों का मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा कि लोग उन मुद्दों के पक्ष में खड़ा हो। और तीसरी चीज़ होगी मूवमेंट, फिर उसका उस मोबिलाइजेशन करने के बाद आप पूरे देश में या प्रदेश में आपको मूवमेंट चलाना पड़ेगा, और मूवमेंट चला करके जब आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं उसको मैंडेट कहेंगे। मैंडेट जनता का जब ही मिलेगा, जनता के मुद्दों को लेकर के आंदोलन। एक एम मनी तो भूल ही गया, नहीं मनी, मनी देखिए मनी तो भारतीय जनता पार्टी को मुबारक, भारतीय जनता पार्टी जाने अभी तो याद दिला रहा हूं सर, खजाने भरे पड़े हैं। एक आपके पास एम मनी नहीं है और दूसरा एम आपके पास मोदी नहीं है, क्या इसने भी मायने रखे? ये भी मैटर करता है।